दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये एक फ़नी स्टोरी है और बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की स्टोरी में आपको कई सारे नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, क्योंकि कई बार मैं कमेंट्स देखता हूं तो आप लोग डिमांड करते हैं कि सर ऐसे वीडियो लाइए जहां पर कुछ एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग हो। तो ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में आपको कई सारे नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग देखने को मिलेंगे। उसके अलावा इसका जो ट्रांसलेशन का पार्ट है उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे। और दोस्तों, यदि आपको आज की स्टोरी अच्छी लगे तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द आइडल मेकर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? आइडल का मतलब होता है मूर्ति और मेकर मतलब बनाने वाला। द आइडल मेकर मतलब मूर्ति बनाने वाला। तो ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप कहानी को ध्यान से सुने, और अगर आपको कहानी में कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। In a city, there lived a idol maker artist named Vichitra Kumar. क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है, ये पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब होता है किसी जगह रहना, निवास करना, और ये सेकेंड फॉर्म है। इन अ सिटी, एक शहर में, देयर लिव्ड अ आइडल मेकर आर्टिस्ट, एक शहर में एक मूर्ति बनाने वाला एक कलाकार रहता था, नेम्ड विचित्र कुमार, विचित्र कुमार नाम का। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक शहर में विचित्र कुमार नामक एक मूर्ति बनाने वाला कलाकार रहता था। ही मेड अनकैनिंग रियलिस्टिक आइडल्स दैट लुक्ड सो लाइक अ लाइफ। क्या मतलब हुआ? ही मेड अनकैनिंग, और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, मेक की सेकेंड फॉर्म है मेड, और अनकैनिंग एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अलौकिक, और रियलिस्टिक का मतलब होता है वास्तविक। मतलब ही मेड अनकैनिंग रियलिस्टिक आइडल्स, मतलब वह अलौकिक वास्तविक मूर्तियां बनाता था, दैट लुक्ड सो लाइक अलाइव, जो जीवित, मतलब कि जो जीवित एकदम सजीव लगती थी। लाइक अलाइव मतलब सजीव, जो बिल्कुल सजीव लगती थी, मतलब ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल सजीव हैं। ही हैड एन आइडल ऑफ अ गॉड इंस्टॉल्ड बाय द साइड ऑफ हिज डोर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है, यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। इंस्टॉल का मतलब होता है किसी को स्थापित करना, और ये थर्ड फॉर्म है, और जब हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो इस तरह का वाक्य पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। ही हैड एन आइडल ऑफ ए गार्ड इंस्टॉल्ड, मतलब उसने एक गार्ड, मतलब गार्ड का मतलब कह सकते हैं सुरक्षाकर्मी की, जो एक मूर्ति थी उसको स्थापित किया हुआ था। कहाँ पर? बाय द साइड ऑफ हिज डोर, अपने दरवाजे के एक तरफ उसने एक गार्ड की, एक सुरक्षाकर्मी की मूर्ति को स्थापित किया हुआ था। द आइडल वॉज सो लाइफ लाइक, और ये जो आइडल थी, मूर्ति थी, वो बिल्कुल ही सजीव थी। दैट की द थीव्स, जो चोर थे, स्टेड अवे, वो दूर रहते थे फ्रॉम हिज हाउस, उसके घर से। एंड इट वॉज सेफ, और वो सेफ था, मतलब कि वो घर जो था उसका, वो सुरक्षित था। चलिए आगे देखिए। विद द पैसेज ऑफ टाइम द आइडल मेकर ग्रू ओल्ड, और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ग्रो ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा होना, और ये सेकंड फॉर्म है ग्री ओल्ड। विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब कि समय के साथ साथ, द आइडल मेकर ग्री ओल्ड, जो आइडल मेकर था, मूर्ति बनाने वाला था, वो बूढ़ा हो गया। वन नाइट ही सॉ अ टेरिबल ड्रीम, क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये सी की सेकेंड फॉर्म है, सी मतलब देखना और सॉ मतलब देखा, और टेरिबल ड्रीम का मतलब होता है बहुत ही भयानक सपना। एक रात उसने एक बहुत भयानक सपना देखा। द एजेंट्स ऑफ द गॉड ऑफ डेथ यमराज वर ड्रैगिंग हिज सोल अवे, क्या मतलब हुआ दोस्तों? एजेंट का मतलब होता है प्रतिनिधि। द एजेंट्स ऑफ द गॉड, जो ऑफ द एजेंट्स ऑफ द गॉड ऑफ डेथ यमराज, मतलब जो यमराज, जो कि मृत्यु के राजा हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, वर ड्रैगिंग हिज सोल अवे, वो उसकी सोल मतलब आत्मा को खींच कर ले जा रहे हैं, और ड्रैग मतलब खींचना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसने क्या देखा कि जो मृत्यु के जो देवता हैं और उनके जो प्रतिनिधि हैं, वो उसकी आत्मा को खींच कर ले जा रहे हैं। ही बैग्ड फॉर मर्सी बट दे डिड नॉट लिसन, दोस्तों बैग का मतलब होता है किसी चीज़ की विनती करना, भीख मांगना। ही बैग्ड फॉर मर्सी, मतलब उसने दया की, भीख मांगी, बट लेकिन दे डिड नॉट लिसन, लेकिन उन्होंने नहीं सुना।
चलिए आगे देखिए। इन द मॉर्निंग मतलब कि सुबह में, ही वोक अप, और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। वेक अप का मतलब होता है जागना, और ये सेकंड फॉर्म है वोक अप। इन द मॉर्निंग सुबह में, ही वोक अप, वो जागा। एंड गॉट थिंकिंग, और वो सोचने लगा। अबाउट द डेथ, और वो मृत्यु के, मौत के बारे में सोचने लगा। ही फियर्ड दैट हिज डेज वर नंबर्ड, क्या मतलब हुआ ही फियर्ड? फियर मतलब डरना, और ये सेकंड फॉर्म है। ही फियर्ड, उसको डर था कि हिज डेज वर नंबर्ड, कि जो उसके दिन हैं वो गिनती के बचे हैं। ही डिड नॉट वॉन्ट टू डाई, क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, और जब पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। वॉन्ट का मतलब चाहना, और डाई मतलब मरना। तो इसका क्या अर्थ हुआ? ही डिड नॉट वॉन्ट टू डाई, वह मरना नहीं चाहता था। He thought of a plan, और ये think की second form है। Think मतलब सोचना, he thought उसने सोचा। He thought of a plan, उसने एक योजना के बारे में सोचा। To trick, trick मतलब धोखा देना, धोखा देने के लिए। The agents of death मतलब कि, तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? He thought of a plan to trick the agents of death, मतलब उसने एक योजना के बारे में सोचना, उसने एक योजना सोची मृत्यु के प्रतिनिधियों को धोखा देने की, उसने एक योजना के बारे में सोचा। चलिए आगे देखिए। ही मेड 10 लाइफ लाइक मॉडल्स ऑफ हिमसेल्फ, क्या मतलब हुआ ही मेड? और दोस्तों ये भी पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। मेक की सेकंड फॉर्म में मेड, ही मेड, उसने बनाए 10 लाइफ लाइक, लाइफ लाइक मतलब एकदम सजीव मॉडल्स बनाए ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप के। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि ही मेड 10 लाइफ लाइक मॉडल्स ऑफ हिमसेल्फ, उसने अपने खुद के 10 सजीव मॉडल बनाए। वन डे ही सेंस्ड दैट ही वॉज अबाउट टू डाई, क्या मतलब हुआ? दोस्तों सेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का के बारे में एहसास हो जाना, और ये सेकंड फॉर्म है। एक दिन ही सेंस्ड, उसे एहसास हुआ कि ही वॉज अबाउट टू डाई, वह मरने वाला है। एंड ट्रूली इनफ, और ये बिल्कुल सच बात थी, और ये बिल्कुल ही सच था। द एजेंट्स ऑफ डेथ, जो एजेंट्स ऑफ डेथ थे मतलब जो मृत्यु के प्रतिनिधि थे, अराइव्ड, वो आए, टू टेक हिज सोल अवे, और वो उसकी आत्मा को लेने के लिए आए। दे वर फॉक्स्ड बाई 11 क्लोक अलाइक्स ऑफ विचित्र कुमार, क्या मतलब? और दोस्तों फॉक्स का मतलब होता है धोखा खा जाना। दे वर फॉक्स, और वो धोखा खा गए, कैसे? बाय 11 लुक अलाइक ऑफ विचित्र कुमार, मतलब विचित्र कुमार के 11 मतलब कि लुक अलाइक जो थे, उसके जैसे दिखने वाली जो मूर्तियाँ थी, उससे वो धोखा खा गए। दे कुड नॉट आइडेंटिफाई द रियल वन एंड वेंट बैक, और दोस्तों यहाँ इस वाक्य में कुड का प्रयोग किया गया है। कुड का प्रयोग वाक्यों में जब किया जाता है, जब वाक्य की टेल पर सका, सकी, पाया, पाई जैसे शब्द आते हैं, तो वहाँ पर कुड का प्रयोग किया जाता है। और यदि नेगेटिव हो तो कुड के साथ नॉट लगाया जाता है। आइडेंटिफाई का मतलब होता है शिनाख्त करना, पहचान करना। तो क्या अर्थ हुआ? दे कुड नॉट आइडेंटिफाई द रियल वन एंड वेंट बैक, मतलब वह असली वाले को नहीं पहचान पाए और वापस चले गए। चलिए आगे देखिए। द आइडल मेकर हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, जो आइडल मेकर था, मूर्तिकार था, उसने राहत की सांस ली। द एजेंट्स रिपोर्टेड द मैटर टू गॉड ऑफ डेथ, और ये जो एजेंट्स थे, रिपोर्ट का मतलब खबर देना, जो एजेंट्स थे प्रतिनिधि थे, रिपोर्टेड, उन्होंने खबर दी द मैटर मतलब इस बात की, इस मामले की खबर दी, टू गॉड ऑफ डेथ मतलब जो मृत्यु के जो देवता हैं उनको, यमराज, उन्हें इस बारे में उन्होंने खबर दी। हु रिब्यूक्ड देम, और दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम रेफरेंस देते हैं तो किसी का, तो हु का प्रयोग किया जाता है, और रिब्यूक का मतलब होता है फटकारना। हु रिब्यूक्ड देम मतलब जिन्होंने या जिसने उनको फटकार लगाई। फूल्स मूर्खों, दैट आइडल मेकर इज हाइडिंग अमंगस्ट हिज 10 लुक अलाइक मॉडल्स, क्या मतलब? उन्होंने क्या कहा कि दैट आइडल मेकर मतलब जो मूर्तिकार है, इज हाइडिंग अमंगस्ट, वो छुप रहा है, अमंगस्ट हिज 10 लुक अलाइक मॉडल्स मतलब अपने जैसे 10 दिखने वाले मॉडल्स के, जो मॉडल्स हैं उसके अंदर वो छुप रहा है। गो जाओ एंड आइडेंटिफाई हिम, और उसकी पहचान करो, और या वरना यू विल बी पनिश्ड। और दोस्तों ये जो वाक्य है हमारा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का
पैसिव वॉइस का वाक्य है, जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। पनिश का मतलब दंड देना और ये थर्ड फॉर्म है। तो उन्होंने क्या कहा, गो जाओ एंड आइडेंटिफाई हिम और उसकी पहचान करो और वरना यू विल बी पनिश्ड, आपको दंड दिया जाएगा। चलिए आगे देखिए। द एजेंट्स रिटर्न्ड टू द आइडल मेकर्स हाउस एंड लुक्ड फॉर द रियल वन अमंग द 10 लुक अलाइक्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों, यहाँ मेकर के बाद एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब होता है जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब होता है का के की। आइडल मेकर्स हाउस मतलब कि मूर्ति बनाने वाले का घर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, द एजेंट्स रिटर्न्ड टू द आइडल मेकर्स हाउस, मतलब जो एजेंट्स थे, जो प्रतिनिधि थे, वो मूर्ति बनाने वाले के घर वापस आए, वापस लौटे। एंड लुक्ड फॉर, और लुक फॉर मतलब होता है ढूंढना, और उन्होंने ढूंढा द रियल वन मतलब असली वाले को उन्होंने ढूंढा। अमंग द 10 लुक अलाइक्स, जो 10 एक जैसे दिखने वाले थे सजीव, मतलब जो मूर्तियाँ थीं उनके बीच में से उन्होंने उस असली वाले को ढूंढा। इट वॉज नॉट ईजी, ये आसान नहीं था, बट लेकिन वन एजेंट ऑफ डेथ वॉज क्लेवर। क्या मतलब हुआ, और दोस्तों क्लेवर का मतलब होता है चालाक, और ये एडजेक्टिव है, और ये जो वाक्य है सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में वाक्य बनाते हैं तो वहाँ कभी भी एक्शन वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, और यही कारण है इसको सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट कहा जाता है। चलिए मतलब देखते हैं इसका क्या अर्थ हुआ। इट वॉज नॉट ईजी, ये आसान नहीं था, बट वन एजेंट ऑफ डेथ वॉज क्लेवर, लेकिन मृत्यु का जो एक प्रतिनिधि था वो चालाक था। ही विस्पर्ड टू अदर्स, विस्पर का मतलब था फुसफुसाना, कान में कुछ धीरे से कहना, फुसफुसाना। ही विस्पर्ड टू अदर्स मतलब उसने दूसरों को कानों में कुछ फुसफुसा कर कहा। लिसन, सुनो, एन आर्टिस्ट हैज़ ए बिग ईगो। क्या मतलब हुआ कि उसने क्या कहा कि सुनो, एक जो आर्टिस्ट होता है, कलाकार होता हैज़ ए बिग ईगो, उसके अंदर एक बड़ी ईगो होती है। ही कांट टॉलरेट, और टॉलरेट मतलब बर्दाश्त करना, किसी चीज़ को सहन करना। ही कांट टॉलरेट द क्रिटिसिज्म ऑफ हिज वर्क, और क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना। तो उन्होंने क्या कहा कि सुनो, एक जो कलाकार है उस हैज़ ए बिग ईगो, उसमें एक बड़ी ईगो होती है। ही कांट टॉलरेट द क्रिटिसिज्म ऑफ हिज वर्क, मतलब वह अपने काम की आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लेट से समथिंग बैड, आओ चलो कुछ बुरा कहें अबाउट ए मॉडल, किसी मॉडल के बारे में। एंड ही विल एक्सपोज हिमसेल्फ, और वो अपने आप को एक्सपोज कर देगा। एक्सपोज का मतलब होता है किसी चीज़ का खुलासा कर देना। एंड ही विल एक्सपोज हिमसेल्फ, और वो खुद का खुलासा कर देगा। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए द एजेंट्स स्टार्टेड एग्जामिनिंग, एग्जामिन का मतलब होता है जाँच करना। जो एजेंट्स थे, जो प्रतिनिधि थे, स्टार्टेड एग्जामिनिंग, वो जाँच करने लगे द आइडल्स मूर्तियों की। एंड कमेंटिंग ऑन देम, और वो टिप्पणियाँ करने लगे। कमेंट का मतलब होता है दोस्तों टिप्पणी करना, जैसे आप लोग मेरे वीडियोज़ पर कुछ लिखते हैं, बोलते हैं, अच्छा बुरा बताते हैं, तो उसे कमेंट कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है टिप्पणी करना। तो वो क्या करने लगे, उन्होंने पहले क्या मतलब हुआ कि जो एजेंट्स थे वो उन मूर्तियों को देखने लगे, जाँच करने लगे। एंड कमेंटिंग ऑन देम, और वो उन पर टिप्पणियाँ करने लगे। आफ्टर प्रेजिंग सम, और दोस्तों प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। आफ्टर प्रेजिंग सम मतलब कि थोड़ी तारीफ करने के बाद, प्रशंसा करने के बाद दे स्टूड बिफोर अ मॉडल, और बिफोर मतलब सामने, दे स्टूड वो खड़े हो गए बिफोर ए मॉडल, एक मॉडल के सामने खड़े हो गए। एंड रिमार्क्ड, और उन्होंने टिप्पणी की, बट लेकिन दिस वन इज़ नॉट परफेक्ट, लेकिन ये जो है वो परफेक्ट नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है। इट हैज़ वन बिग डिफेक्ट, इसमें एक बड़ी गलती है। डिफेक्ट का मतलब होता है कोई त्रुटि, कमी। तो उन्होंने क्या कहा, इट हैज़ वन बिग डिफेक्ट, मतलब इसमें एक बड़ी मिस्टेक है, एक बड़ी कमी है। विचित्र कुमार प्रोटेस्टेड, और दोस्तों प्रोटेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का विरोध करना। जो विचित्र कुमार था उसने विरोध किया। इम्पॉसिबल, असंभव। वॉट डिफेक्ट इज देयर, मतलब क्या इसमें क्या डिफेक्ट है, इसमें क्या कमी है। द एजेंट्स ऑफ डेथ, जो एजेंट्स थे मतलब कि जो प्रतिनिधि थे मृत्यु के, कॉट हिम, उन्होंने उसे पकड़ लिया। एंड सैड, और कहा द डिफेक्ट इज, मतलब कि डिफेक्ट ये है, कि कमी ये है, दैट की द आइडल्स डोंट स्पीक, जो आइडल्स होती हैं, जो मूर्तियाँ होती हैं, डोंट स्पीक, वो बोलती नहीं हैं, बट यू डू, लेकिन आप बोलते हो।
दे ड्रू आउट हिज सोल। और दोस्तों ड्रॉ का मतलब ये ड्रॉ की सेकंड फॉर्म है, ड्रॉ मतलब खींचना और ये सेकंड फॉर्म है। दे ड्रू आउट हिज सोल एंड डिपार्टेड, और डिपार्ट का मतलब रवाना हो जाना, चले जाना। दे ड्रू आउट हिज सोल, उन्होंने उसकी आत्मा को बाहर निकाला, एंड डिपार्टेड, और वो रवाना हो गए, वो चले गए। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। क्या इसका मॉरल है? अ पर्सन्स प्राइड एंड ईगो स्पेल्स हिज डाउनफॉल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? प्राइड का मतलब है गर्व और ईगो का मतलब घमंड। एक व्यक्ति का जो गर्व या घमंड होता है स्पेल्स हिज डाउनफॉल, वो उसके पतन का कारण बनता है। चलिए तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और मैंने पूरी कोशिश की है आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।